आज आईपीओ बाजार में 3 आईपीओ जो है उसकी लास्ट डेट है। कुछ क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि हमें आईपीओ के बारे में कुछ डिटेल दीजिए। सो पब्लिक डोमेन में जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। और डिस्क्लेमर, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट और मैं आपको किसी भी तरह की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। बट पब्लिक डोमेन में जो इन्फॉर्मेशन है, जो एक्सपर्ट की ओपिनियन अवेलेबल है, वो आप चेक कर सकते हो। और आई एम शेयरिंग द डिटेल, रिकमेंडेशन नहीं है, बट पब्लिक डोमेन में जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है एक्सपर्ट की, उनके बारे में मैं बात करूँ तो आप यहाँ पे देख रहे, जैसे कैपिटल स्मॉल फाइनेंस जो है उसका आज आईपीओ खत्म होने वाला है, 9 तारीख लास्ट डेट है, और उस आईपीओ की डिटेल यहाँ पे सारी चीजें हैं, तो वी विल गो थ्रू दैट। आईपीओ के बारे में यहाँ पे पूरा दिया हुआ है, आईपीओ एंकर इन्वेस्टमेंट और किसको कितना अलॉटमेंट हो सकता है, कितना कंपनी ने किया हुआ है। पहले दिन आईपीओ 0.53% ही भरा था, दूसरे दिन 1.25 हुआ है, और अब तक जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, टोटल आईपीओ सब्सक्रिप्शन है 1.65 टाइम्स हुआ है। यहाँ पे जो ऑफर है उसकी डिटेल भी है, एंकर इन्वेस्टमेंट और बाकी लोगों ने कितना परसेंट एलोकेशन दिया है, वो सारा डिटेल यहाँ पे अवेलेबल है, सो यू कैन गो थ्रू इट। हमें तो इंटरेस्ट है कि आईपीओ के रिव्यूज के बारे में, बिकॉज ओपिनियन क्या है एक्सपर्ट का। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ तो आउट ऑफ मल्टीपल पीपल ओनली 5 लोगों ने उसको रिव्यू किया है, और उसमें से 2 जो है अप्लाई के रिकमेंडेशन दे रहे हैं, 2 एक्सपर्ट मैं ही अप्लाई के दे रहा हूँ, दोनों दोनों न्यूट्रल के लिए बताया है। अब यहाँ पे देखते हैं तो बीपी इक्विटीज ने अप्लाई के लिए बताया है, कैपिटल मार्केट ने न्यूट्रल के लिए बताया, दिलीप दावड़ा जी ने मे बी अप्लाई के लिए बताया, और एसएमसी ग्लोबल ने न्यूट्रल के लिए बताया, और वेंचुरा सिक्योरिटीज ने अप्लाई के बारे में बताया। तो आप ये सारे आईपीओ रिकमेंडेशन रिव्यू को चेक कर सकते हैं। मेरी सलाह है कि आप एक्सपर्ट एडवाइस लीजिए, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से भी रजिस्टर्ड एनालिस्ट का रिव्यू देख लीजिए। मैं यहाँ पे पब्लिक डोमेन में दिलीप दावड़ा जी करके जो है उनका रिव्यू जो है वो चेक करता हूँ। तो यहाँ पे कंपनी के बारे में है कि कंपनी जो है स्मॉल फाइनेंस बैंक के आरबीआई के नोटिफिकेशन के बेस पे उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया हुआ है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ उसमें उन्होंने अप्लाई किया हुआ है। और बेसिकली उनका जो टारगेट ऑडियंस है या तो टारगेट कस्टमर है, मिडिल इनकम सेगमेंट में ये सर्विसेज देते हैं। पास परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल डेटा यहाँ पे दिया हुआ है, डिविडेंड पॉलिसी के बारे में यहाँ पे डिटेल दिया है, और यहाँ पे लिस्टेड पीयर से जो IDFC फर्स्ट बैंक है, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक है, सरोदय है, उज्जवल उज्जवल बैंक है, उसके बारे में यहाँ पे पीएस के बारे में दिया हुआ है कि लिस्टेड पीयर जो अवेलेबल है उनकी डिटेल क्या है। और यहाँ पे ये भी दिखा है कि ये सारी बैंक अलग अलग एरिया में अलग अलग डेमोग्राफी में काम करती है, तो इनका उनका एप्पल टू एप्पल कंपेरिजन नहीं करना चाहिए। मर्चेंट बैंकर जो है जो आईपीओ लाता है उसका ट्रैक रिकॉर्ड में हम देखते हैं तो आउट ऑफ 58 इश्यू जो लास्ट 3 फिस्कल है उसमें से 15 आईपीओ जो लिस्टेड बिलो प्राइस हुआ है, ऑफर प्राइस, यहाँ की मतलब कि यहाँ पे इन्वेस्टर को लॉस हुआ है, बाकी में इन्वेस्टर को लिस्टिंग गेन हुआ है। आप लिस्टिंग गेन के बारे में, प्रोबेबल लिस्टिंग गेन के बारे में जो है मार्केट में, ग्रे मार्केट में तपास कर सकते हो, बट वो जो डिटेल होती है वो अनऑथेंटिकल होती है, उस पर भरोसा नहीं कर सकते। यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी या कंक्लूडिंग रिमार्क है, यहाँ पे डिटेल दिया है कि कंपनी जो है पान इंडिया एक्सपेंशन करने के लिए अभी जा रही है फ्रॉम रीजियनल सर्विस प्रोवाइडर, नॉर्थ इंडिया नॉर्थ रीजन जो है उसकी जगह अभी कंप्लीट इंडिया में वो प्रोवाइड करने के लिए, सर्विस प्रोवाइड करने के लिए एक्सपेंशन कर रही है। और उन्होंने प्रीवियसली स्टेडी ग्रोथ टॉप एंड बॉटम लाइंस में किया है, बट अगर हम बेस्ड ऑन फाइनेंशियल 24 अर्निंग के बारे में देखें तो एग्रेसिवली प्राइस किया हुआ है आईपीओ इश्यू, ऐसा यहाँ पे लिखा है। और उन्होंने रिकमेंडेशन दिया है कि वेल इन्फॉर्म इन्वेस्टर में पार्क फंड फॉर द लॉन्ग टर्म रिवार्ड्स ओनली, तो इसको देखना है। आप बाकी और जो एक्सपर्ट है उनकी भी आईपीओ रिव्यू को पढ़ लीजिए, मेरी यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन अप्लाई नॉट अप्लाई बाय सेल की नहीं है। आई एम नॉट अ सभी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, आपके पैसे, आपका इन्वेस्टमेंट, आपका डिसीजन, आपका प्रॉफिट लॉस के लिए आप खुद ही जिम्मेदार हैं। हालांकि जब ये आईपीओ सब्सक्रिप्शन ओवर हो जाएगा उसके बाद में इसका ज्ञान स्क्वायर ऑफ 9 का एंड वाइब्रेशन नंबर का मैं वीडियो बनाऊंगा, जिसके अंदर हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस मिलते हैं, और अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आप उसको यूज कर सकते हैं।
या तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस ले सकते हैं, आप रजिस्टर फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस ले और अपने इन्वेस्टमेंट को मैनेज करें। थैंक यू।